बताया कि अवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। मुल्तान में तबलीगी जमात के बाद सरकार ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 24 में से 22 मरीजों की पहली रिपोर्ट मनफी आ गई। उधर रहीम यार खान में मजीद 10 मरीजों का पहला कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। तमाम मरीजों के दोबारा टेस्ट करवाए जाएंगे। और जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत सराय के खत्ते में मुतादिद दुकानें खुल गईं, बेशतर कारोबार बंद। करियाना स्टोर, बेकरी, मेडिकल स्टोर, तनूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार का पहिया चल पड़ा। शाहराहों पर मामूल से ज्यादा रश, ट्रेन ऑपरेशन बंद, ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग। सराय की आवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। मुल्तान में तबलीगी जमात के बाद सरकार ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 24 में से 22 मरीजों की पहली रिपोर्ट मनफी आ गई। उधर रहीम यार खान में मजीद 10 मरीजों का पहला कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। तमाम मरीजों के दोबारा टेस्ट करवाए जाएंगे। और जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत सराय के खत्ते में मुतादिद दुकानें खुल गईं, बेशतर कारोबार बंद। करियाना स्टोर, बेकरी, मेडिकल स्टोर, तनूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार का पहिया चल पड़ा। शाहराहों पर मामूल से ज्यादा रश, ट्रेन ऑपरेशन बंद, ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग। सराय की आवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। मुल्तान में तबलीगी जमात के बाद सरकार ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 24 में से 22 मरीजों की पहली रिपोर्ट मनफी आ गई। उधर रहीम यार खान में मजीद 10 मरीजों का पहला कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। तमाम मरीजों के दोबारा टेस्ट करवाए जाएंगे। और जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत सराय के खत्ते में मुतादिद दुकानें खुल गईं, बेशतर कारोबार बंद। करियाना स्टोर, बेकरी, मेडिकल स्टोर, तनूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार का पहिया चल पड़ा। शाहराहों पर मामूल से ज्यादा रश, ट्रेन ऑपरेशन बंद, ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग। सराय की आवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। मुल्तान में तबलीगी जमात के बाद सरकार ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 24 में से 22 मरीजों की पहली रिपोर्ट मनफी आ गई। उधर रहीम यार खान में मजीद 10 मरीजों का पहला कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। तमाम मरीजों के दोबारा टेस्ट करवाए जाएंगे। और जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत सराय के खत्ते में मुतादिद दुकानें खुल गईं, बेशतर कारोबार बंद। करियाना स्टोर, बेकरी, मेडिकल स्टोर, तनूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार का पहिया चल पड़ा। शाहराहों पर मामूल से ज्यादा रश, ट्रेन ऑपरेशन बंद, ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग।